भोलेनाथ के सामने, तो लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरह से। सरधर आयुषा करहु तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, सरधर आयुष करो तुम्हारा परम धर्म ये नाथ। मात पिता गुर प्रभु की वाणी, देखो कौन कौन से हुक्म है जहां घाटा नहीं होता। कल सुनने वाली जो भी कन्या खड़ी हो जाए सभी, माता पिता गुरु और ईश्वर जे अगर आदेश करें तो कबू जा पे विचार मत करो कि जा में घाटो तो ना है। क्यों कि जे घाटे की बताई ना सकते, माता पिता गुरु और ईश्वर। सो भगवान राम ने कही कि प्रभु हमारी बात मान ले हुए, भोलेनाथ जी कहो बिल्कुल मान लेंगे कि हमारी बात मानो तो तुम अपन ब्याह कर ले, शादी कर लो। देवताओं बगे जी चाल चली है, ठीक है महाराज तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। एक बात कही कि कर लेंगे, न साल बताई न महीना बताओ न दिन बताओ न तिथि बताई, कर लेंगे जाओ। भगवान राम जैसे अंतर ध्यान हुए, विचार करना शिवजी विवाह करना नहीं चाहते, उन्हें मालूम है कि पहले करो तब कितनी बड़ी परेशानी भाई, तो हमें अब शादी करना ही नहीं चाहता। वो आज शादी को कोई नहीं करवे तैयार है, कोई मने नहीं करता। और सब आज हमारे कथा पंडाल में कीर्तन है, जवाबी कीर्तन बसंत पतझड़ जलेसर से और महेश एलानी जिस्मी से। कथा पंडाल में दो कीर्तन मंडल हैं, उनका जवाबी कीर्तन है, बहुत अच्छा है। रात्रि को सभी उसका आनंद लें, सुने भगवान के भजन को नाम को। तो ध्यान से सुनना इस बात को, आज शादी थी कोई बचवा चाहते हो, तुमने देखी हो ये ऐसे ऐसे राजनीतिक नेता तुमने 70-70 साल पे ब्याह करें। अब विचार करो 70 साल में 5 साल बाकी रह गई है तुम्हारी, पांव बिल्कुल दूसरी सवारी पे तैयार है और 75 साल में ब्याह कर रहे हो तुम, ये हो रहा है। परसों जे कोमल सिंह चाचा जी कह रहे हैं हमारी बहन हुई थी कि ब्याह करवा दो तो 5, तो पहले तो इन्हें बात दूसरी कही शास्त्री जी के 5 अंतिम में कुश्ती करवा दो, तो मैं चलो हो तैयार। एक शर्त है पर जो जो इनके भतीजे लग रहे तिन तो जे कर रहे मजाक के 5 में मेताएं लड़वा दो, हमने कि ऐसे नहीं तो जो तुम पे है सौदा ताकि सबकी लिखा पढ़ी करवाओ, 5 तुम्हें राखनी पड़ेगी। खोई गई जान तक आई था भूल गए सब हैं क्यों। सुना ध्यान से, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए ले सो परेशान और न खावे सो परेशान, और सही बात तो जी जिनने खाए लो सो ज्यादा परेशान है। और भैया ये श्रीमद भागवत कथा में
जो भंडारे के लिए दान दिया है 1000 रुपए श्रीमान राम खिलाड़ी सिंह रतभानपुर से, 200 रुपए धर्मपाल सिंह, 100 रुपए अजय बघेल उनकी तरफ से, धन्यवाद। भोलेनाथ ध्यान रखना, कह गए कि कर लेंगे, इधर आकर के कही, सब सप्तर्षि देवता सब बोले भोलेनाथ की, कहो महाराज राजी हो? हाँ भैया राजी, तो राजी पर ना राजी, तो राजी पर एक गलती कर रहे हो तुम, कौन सी कि तुमने मुझे तो राजी कर लो है, और जब लड़की तुम्हें ब्याह करवा रहे हो वो लड़की पूछ रही है तुमने, और तुम बरना बना के ले गए कौतरबा, लड़की ने कह दी मैं ना हूं जा बूढ़े बाबा तो राजी, तब तैयारी बिगड़ रही हो मेरी बिगड़ रही, जा बा लड़कियां पूछवाओ। देखिए क्या संकेत कर रही है कथा, लड़के को तो सब पूछते हैं, कोई बेटी को भी पूछता है कि बेटी जीवन की डोर हम तेरी जा संग मान रहे हैं, तेरा समय कैसा कटेगा? भोलेनाथ कह रहे हैं लड़की और पूछवाओ। तो सप्तर्षि सातों महात्मा जब पार्वती के पास पहुंचे तो वे जाप कर रही थी ओम नमः शिवाय, महात्मा बोले ए लली किनको जाप कर रही हूं? कि मैं भोलेनाथ से विवाह करूंगी, शिवजी को जाप कर रही हूं। महात्मा बोले शिवजी को? एक सांप को मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रह जाए, पानी पी ले पचा ले, भाई किन्ने बहका दिया, सब शरीर में सांप रहता है। पार्वती बोली मोते नारद कह गए। अरे पागल, नारद सीख सुने नर नारी और अवश्य भमंतज होई भिकारी, नारद की बात माननी हो सो एकदम पार्वती की के महात्मा एक बार को चाहे हजार बार को ब्याह करूंगी तो शिवजी तय करूंगी। अब सही महात्मा मुस्कुरा गए कि लड़की बिल्कुल मजबूत है, बना हटाई चलो, वो इतने लौट के आए तो तक भी फिर सो गए, ध्यान रखना फिर सो गए। भोलेनाथ ने समाधि फिर लगाई तो सब देवतन ने फिर सभा एकत्रित की और सब सलाह कर रहे हैं, अब जी बता अब को जावे और जगावे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तब कामदेव तैयार हुआ। कामदेव तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति को संग लेकर के मछली की ध्वजा लगाई है रथ पे, फूलों का धनुष लिया है, 5 बाण तरकस में रखे हैं, आज कामदेव चलाए शिवजी को जगाने के लिए। श्रोता बंधुओं तो कामदेव ने स्थिति क्या पैदा की थी, पूरे विश्व को बेचैन कर दिया, पूरे विश्व को, किस तरह से? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहीं बे में नहीं आती है, अरे कामदेव को जोर चलो सो कहीं बे में नहीं आती है, बेली बढ़ी जवनी चेते लपेटा खा रही है अपने आप, तलैया का जल तालाब में मिल रहा है, और नदिया भादे तेजी अति तो सागर में मिल जाती है, पर सब दुनिया बेचैन भाई हुआ, जितने महात्मा थे सब जंगल में समाधि टूट गई। सदाचार जप जोग विरागा और सब है विवेक कट कु सब भागा, बेचैन हो गया।